तो हमारा आज का वीडियो है हिस्ट्री एमडीसी टू, ठीक है। हिस्ट्री एमडीसी टू सेमेस्टर टू के बारे में लाए हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं हिस्ट्री एमडीसी टू के बारे में। हम इस पहला पार्ट में हम सिलेबस बता दिए हैं एमडीसी टू हिस्ट्री का। आज हम उसी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रमुख क्वेश्चन है एमडीसी टू का हिस्ट्री का, वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव बताए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। जाते हैं, जैसे कि अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं हिस्ट्री एमडीसी टू का। यदि आप एमडीसी टू का हिस्ट्री का सिलेबस नहीं देखे तो आप सबसे पहले सिलेबस देख ले, ठीक है। उसी के अनुसार हम इम्पोर्टेंट प्रमुख हम क्वेश्चन बनाए हैं जो कि सब्जेक्टिव है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत और चीन युद्ध के क्या कारण था। 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उनका क्या कारण था, ठीक है, वो बताना है आपको। क्वेश्चन आ सकता है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी से आ सकता है मिलता जुलता, भारत और चीन युद्ध के क्या प्रभाव था, क्या प्रभाव पड़ा भारत में, ठीक है। 1962 का जो युद्ध हुआ था चीन और भारत में, उसका क्या कारण था, क्या प्रभाव था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरा नंबर में। तीसरा है कि 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण और प्रभाव, ये दोनों पूछ सकता है, या फिर अलग अलग करके पूछ सकता है कि 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण क्या था, कारण को समझाइए, या फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी क्या प्रभाव पड़ा इस युद्ध का भारत पर, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर है कि 1971 का पाकिस्तान एवं भारत युद्ध का कारण एवं प्रभाव, जो 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जिसमें 1971 में बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था इंदिरा गांधी का, वो क्या कारण था, उनका क्या प्रभाव पड़ा भारत में, जो कितने लाखों शरणार्थी जो भारत आए थे, वो बताना है इसमें, डिफेंस करने बाद बताना है, ठीक है। 1971 वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पांचवा में है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए 1991 के बाद जो उदारीकरण हुआ था, जो एक नया नीति लाए था आर्थिक स्थिति में, ठीक है, जो वित्त मंत्री कौन था आपको बताना है, जैसे कि बता देते हैं, मनमोहन सिंह था वित्त मंत्री, वही बता रहे हैं। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण के कारण क्या था, क्यों लाया गया उदारीकरण भारत में, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपातकाल से क्या समझते हैं, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लगाया जा सकता है आपातकाल, कितने अनुच्छेद में है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो आपातकाल जो लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो किन किन कारणों से आपातकाल लगाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, क्या समझते हैं, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, राष्ट्रपति कितने द्वारा कितने प्रकार के राष्ट्रपति लगा सकते हैं, क्या कारण है आपातकाल का, क्या कारण है लगाने का, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। दसवां नंबर है कि पंचवर्षीय योजनाएं के प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो पंचवर्षीय योजनाएं लाए थे, ठीक है, आधुनिक भारत में जो अभी भी चल रहा है, तो क्यों लाए थे, उस योजनाएं के बारे में क्या उद्देश्य था, वो बताना है आगे। फिर इसी से संबंधित है कि फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका था, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार से रियासतों को एकीकरण करने में भूमिका निभाई था, बहुत ही MBBI क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है कि संविधान का निर्माण ये किन किन चरणों पर हुआ था, संविधान का जो निर्माण हुआ था किन किन चरणों में हुआ था, किस प्रकार हुआ था, वो बताना है आपको। फिर आगे फिर संविधान की विशेषता पर प्रकाश डालना भी है, ठीक है, संविधान की विशेषता कौन कौन सा है, क्या ये संघ न्यायालय आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, कितना नागरिकता है, ये सब बताना है आपको संविधान की विशेषता। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है इसी से मिलता जुलता कि संविधान की विशेषता पर आलोचनात्मक विवेचना करें, मतलब कि संविधान का, भारत संविधान का गुण और एगो दोष दोनों को बताना है इसमें, ठीक है, गुण और दोष दोनों को बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राज्यों का जो राज्यों था, भारत का राज्यों का भाषाई पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, अब कौन सा राज्य सबसे पहला था जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था, ये भी बताना आपको कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट बताना है आपको कि रियासतों के एकीकरण करने पर कौन कौन सी कठिनाई आई था, जो रियासतों का एकीकरण कर रहा था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उस टाइम उनको कौन कौन सी कठिनाई आई थी, कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ा था,
ठीक है, जिसके कारण से रियासतों का एकीकरण हुआ था, कौन कौन कठिनाई को दूर किया जिसके कारण से रियासतों का एकीकरण हुआ। देखिए आखिरी में कौन सा क्वेश्चन है कि प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं पर प्रकाश डालें या फिर पांच पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा करें। ठीक है, 17 नंबर, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं पर प्रकाश डालें या फिर पांच पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा करें, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हिस्ट्री एमडीसी 2 का प्रमुख क्वेश्चन का हम बता दिए, जो जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिए। ठीक है, जितने भी एमडीसी वाले हैं हिस्ट्री, सबको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सबको।